तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, हम जानना चाहेंगे कि आप अभी वर्तमान समय में अंचल प्रेसिडेंट है GP2 के अंतर्गत, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं अंचल प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट सागर गुरु जी को, जो कि हमको इतने बड़े पद पर नियुक्त किए हैं, वो भी जनता के लिए काम करने के लिए। आगामी दिन मैं जनता के लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर सकूं। सर, आप सरकार के कामों को स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत किस प्रकार से देखते हैं कि आने वाले समय में पंचायत इलेक्शन जो आ रहे हैं अप्रैल में इसी अंतर्गत होंगे, तो इसमें आपको क्या महसूस हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा इस पंचायती क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल बनाए? देखिए, आने वाला इलेक्शन जो है पंचायत इलेक्शन, इसमें हम लोगों को लगता है हमारी ममता दीदी सरकार बहुत बढ़िया रिजल्ट करेगी। कहे कि आप देख रहे हैं पहले द्वारा सरकार के माध्यम से हम जनता के सामने प्रत्येक प्रकल्प को रखते थे और वो द्वारा सरकार में जाकर के अपना प्रकल्प को ले पाता था। आने वाला दिन कौन जनता के साथ में खड़ा है और कौन जनता के साथ में खड़ा नहीं, ये आपको आने वाले रिजल्ट को देखने को मिलेगा। तो हमने कुछ समय पहले भी देखा कि 7 जनवरी को शायद ममता बनर्जी को एक द्वारे सरकार के एम को लेकर अवार्ड मिला, तो कहीं ना कहीं सरकार शायद बेहतर ही करके तो सारे अवार्डों से नवाजा जा रहा है राष्ट्रपति के हाथों से, तो इस पर आप क्या गर्वित महसूस करते हैं? हाँ, हमें गर्व है, जो कि दीदी इतने अच्छे अच्छे प्रकल्प निकलती है। अब देखिए पूरे भारतवर्ष में दीदी का प्रकल्प जो कि मानने लायक है, जो को भारत में उनको एक सम्मान दिया गया कि वो पश्चिम बंगाल में ऐसे ऐसे प्रकल्प को ला रहे हैं। देखिए आने वाले समय में भी दीदी इससे बढ़िया बढ़िया काम करेगी और हमारे वेस्ट बंगाल को अच्छी जगह में काम को पहुँचाएगी। हमने देखा सर कि बड़ा स्टेट में वहाँ के वरिष्ठ जो बीजेपी के लीडर थे और उनके अनुयायी बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा सहायक प्रतिनिधि बीजेपी का वे साथ थे, तो वे अभी TMC में आ गए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीजेपी के काम है केवल छल कपट करना दिखाना और काम तो करना है नहीं। हमारे बगल में है हमारे जोन बारला जी जो मंत्री के रूप में है और आज तक उन्होंने ऐसे कुछ काम किया नहीं जो कि देपड़ावासियों के लिए, जो देपड़ावासियों को कहना है कि हमको खाली बीजेपी में ही इतने दिन से पद में रखे हुए थे लेकिन हम लोगों के लिए कुछ काम किए नहीं। इसी आक्रोश में वो लोग आकर के आज TMC की सरकार, माँ माटी मानुष की सरकार के काम को देखते हुए उन्होंने हमारे साथ योगदान किए हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारे सरकार के काम को देखते हुए आज हमारे पार्टी में। इस इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके आधार पर विरोधी प्रक्रियाएं होती हैं, भड़काव चाहिए, तो इस पर क्या जनता को जाना चाहिए या फिर इससे बचने के लिए क्या हो सकता है, उनको करना चाहिए? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, देखिए अभी इलेक्शन सामने आ गया है और इलेक्शन में विभिन्न प्रकार के नेता सब आएंगे, आप लोगों को भड़काएंगे, हम लोग ये देंगे वो देंगे, ये पार्टी अच्छा नहीं है वो पार्टी अच्छा नहीं है। आप देखिए आपके सामने में कौन है, कौन आपके लिए काम कर रहा है, आपके घर 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 में कौन सा स्कीम पहुँचा रहा है, कौन पहुँचा रहा है स्कीम, आपको किस सरकार से आपको बेनिफिट मिल रहा है, इस चीज़ को आपको देखते हुए किस पार्टी के साथ में जाना है तय आपको करना है। प्रत्येक पार्टी तो बोलेगी ही कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए काम करूँगा, लेकिन वास्तविक जो है जो पार्टी आपके लिए काम कर रही है आप उस पार्टी के साथ में जाए, किसी के बहकावे में ना आए। यही थे कुछ खास इंटरव्यू हमारे सर के साथ में, तो इसी प्रकार से अपनी शिक्षा के साथ बने रहिए और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर अच्छा लगे तो इसको, अगर आप YouTube पे है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करके रखें और Facebook पे है तो इसे फॉलो करें और लोगों तक ज़रूर ही पहुँचाएं। धन्यवाद।